प्रज्ञान्तिमिरांशनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंध दीन बंध जगपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांत नमस्तुते। जयताम सुरतर पंगर मम मंद मतर्गति मत सर्वस्व पदां भोज राधा मदन मोहन। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपाययन्मात्मनभिसुमन्धम् कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंध के 25वें अध्याय का 3 नंबर का श्लोक 10, 25, 3। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। अहो श्रीमद् महात्म्यं श्रीमद् महात्म्यं गोपाना काननौकसाम काननौकसाम कृष्णं कृष्णं मर्त्यं मर्त्यं उपाश्रित्य उपाश्रित्य ये चक्रु चक्रु देवहेलनं देवहेलनं। अहो श्रीमद् महात्म्यं अहो श्रीमद् महात्म्यं अहो श्रीमद् महात्म्यम् अहो श्रीमद् महात्म्यम् गोपानां काननौकसाम गोपानां काननौकसाम कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देव
अहो श्रीमदमाहात्म्यम् गोपानां काननौकसाम् कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुरेव हेलनम्। अहो श्रीमद्माहात्म्यम् गोपानां काननौकसाम् कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य चक्रुरेव हेलनम्। अहो श्रीमद्माहात्म्यम् अहो अहो जरा देखो तो श्री श्री ऐश्वर्य के कारण मद नशे का महात्म्य विस्तार गोपाना ग्वालों का कानन वन में ओकसा वास करने वाले कृष्ण श्री कृष्ण को मर्त्यम कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को मर्त्यम सामान्य मनुष्य की उपाश्रित्य शरण ग्रहण करके ये जिन्होंने चक्र किया है देव देवताओं के प्रति हेलनम अपराध। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। इंद्र ने कहा, जरा देखो तो सही कि जंगल में निवास करने वाले ये ग्वाले अपने वैभव से किस प्रकार इतने उन्मत्त हो गए। उन्होंने एक सामान्य मनुष्य कृष्ण की शरण ग्रहण की है और इस प्रकार उन्होंने देवताओं का अपमान किया है। तात्पर्य, वास्तव में इंद्र यह कह रहा था कि ग्वालों ने उस भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उसका अपमान किया जिसे वह मर्त्य समझ रहा था। निश्चय ही इंद्र की यह बहुत बड़ी भूल थी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग गिरिराज जी के चरण में बैठे हैं और उनके पूजा का उत्सव है। इस अवसर पर उन्हीं के लीला का श्रवण कर रहे हैं, यह बहुत भारी सौभाग्य है। हम लोग पिछले साल भगवान के उक्ति को सुने थे। इंद्र के पूजा का तैयारी देह करके ब्रजवासियों के भाग दौड़ को देह करके भगवान उनसे प्रश्न किए कि क्या तैयारी चल रही। और भगवान ने उसको जानने की लालसा प्रकट की, अपने से कई एक तर्क दिए कि हम लोग को भी आगे ये सब करना होगा तो जानकारी जरूरी है। नंद बाबा बतलाए कि ये परंपरा से आ रही पूजा की तैयारी, कई एक पीढ़ी से हम लोग इंद्र की पूजा करते और इंद्र हम लोगों को सुविधा प्रदान करते हैं। हम लोग
ग्वाल है, गोप है, और वर्षा होने से गायों के लिए घास की प्राप्ति होती है और भी सुविधा प्राप्त होती है। हम लोग पूजा कर रहे हैं, इंद्र के पूजा करेंगे, इसी के लिए तैयारी हम लोग कर रहे हैं। भगवान इंद्र का पूजा रोकना चाहते थे, जो कहे कि जहां तक सुविधा की बात है तो हम लोगों को तो सुविधा के साथ ही देते हैं। तो कोई देवता है नहीं, क्या है, कुछ स्पष्ट तो नहीं है, गिराही तो प्रकट है, और प्रकट हम लोग देखते हैं कि गायें इन पर चढ़ करके घास चरती हैं। हम लोग भी लकड़ी लेते हैं, फल लेते हैं, तो आप लाभ की बात कर रहे हैं तो लाभ तो गिरिराज जी से, गिरिराज जी की पूजा होनी चाहिए। और नंद बाबा ये कह सकते थे कि आखिर हम लोगों का अपना बजट है ना, इस समय उत्सव विद्यालय में कर रहे हैं और कोई प्रस्ताव करे कि नहीं दिसंबर में भी एक उत्सव होना चाहिए, अब उसके लिए बजट जुटाना पड़ेगा ना। और भगवान कहे कि ना, उसकी चिंता मत कीजिए, जो सामान जुटाए हैं इंद्र के पूजा के लिए उसी से पूजा करना है। और भगवान कर्म बाद बोलने लगे, ये देवी देवता क्या होते हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि वे क्या करते हैं। अरे हम लोग कर्म करते हैं, कर्म का फल मिलता है। अच्छा मान लीजिए कि कोई देवी देवता है भी, तो काम करने वाले कोई फल देता है ना, कर्तारम भजते। अब इस प्रकार की बात भगवान से अपेक्षित नहीं, भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए अवतार ग्रहण करते हैं और ठीक वेद के विरुद्ध बोल रहे हैं। वे कर देवी देवता के पूजा का विधान तो वैदिक है ना, वेद में ऐसा विधान और सब जगह है कि वे लोग सुविधा प्रदान करते हैं। कर्म तो जड़ है, इसका फल देने वाला कोई दूसरा है, दूसरे के अधिकार में। खुद है वे गीता में बोले हैं, लेकिन यहां बहुत अटपटा बात बोल रहे हैं। अब एक प्रश्न है कि क्यों भगवान ऐसा बोल रहे हैं, और इतना समझना चाहिए कि जैसे गीता का उपदेश दिए लोगों को ग्रहण करने के लिए, वैसा ही उपदेश नहीं है। इसका एक तात्कालिक कारण था, इंद्राय मन्युम जनय पितरम प्राह केशव। ये पिताजी से कह रहे हैं, इसका एक उद्देश्य है कि इंद्र क्रोध में आ गया, हम लोगों को ग्रहण करने के लिए उपदेश नहीं दिए हैं, केवल एक उद्देश्य है कृष्ण को कुपित है, इंद्र को कुपित करना। और भगवान तो सत्य संकल्प है, उनका संकल्प वितत नहीं होता है, और इंद्र में वे क्रोध दिला दिए। एक तो देवी देवता के खिलाफ प्रवचन किए और बहुत भारी सामग्री से इंद्र की पूजा होती थी, बहुत अधिक मात्रा में जुटा करके, और सब बंद कर दिए, गिरिराज जी को प्रदान कर दिए। और हम लोग सुन चुके हैं, एक भगवान ब्रजवासियों को विश्वास दिलाने के लिए एकदम प्रकट गिरिराज जी का रूप धारण कर लिए, एक रूप से गिरिराज जी में आविष्ट हो गए और प्रकट बोल रहे थे, मैं पर्वत हूं, हमको और दो और दो। और ब्रजवासियों को तो विश्वास हो गया कि सच्चा देवता गिरिराज जी। और जो दूर थे तो वे लोग भी गिरिराज जी की पूजा कर रहे थे, जब देख लिए एकदम प्रकट बोल रहे हैं, तो
आगे भी पूजा करने का संकल्प हो गया। ब्रजवासी आपस में बात करने लगे, अरे ये देवता का अपमान करने पर रूप बदल करके और वो खतरा करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वे पूजा का संकल्प लिए और बड़े ही आनंद से अपने घर को चले गए। वे इंद्र की पूजा करने के लिए इंद्रध्वज स्थान पर इकट्ठा होते थे, एक राज्य के तलहटी में। और पूजा समाप्त हुई, परिक्रमा किए, प्रसाद वितरण किए, ब्राह्मणों को संतुष्ट किए, सब चीज हो गया, तो खुशी खुशी अपने घर गए। लेकिन अब तो भगवान का जो उद्देश्य था कि इंद्र को कुपित करना है, और उसमें भगवान सफल रहे। और जैसे भगवान कुछ क्रिया किए, पूजा करवाए गिरिराज जी का और प्रवचन भी किए, और इंद्र बहुत क्रोध में हो गए। अब कह रहे हैं कि इंद्रस्तदात्मान पूजा विज्ञाय विहतान्विप गोपेभ्य कृष्ण नाथेभ्यो नंदा दिव्य चुकोप चुकोप। वो क्रोधित हो गए। किस पर क्रोधित हो रहे हैं और क्यों क्रोधित हो रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि इंद्रस्तदात्मान पूजा विज्ञान। इंद्र खूब अच्छा से अनुभव कर लिए कि हमारा पूजा तो विहत हो गया। जिस दिन पूजा होना था, कुछ देर तक प्रतीक्षा किया होंगे, लेकिन पूरा दिन ही बीत गया, तब तो समझ गए। तो कह रहे हैं कि चुको बहुत क्रोधित हुए। किस पर क्रोधित हो रहे हैं? गोपेभ्य, ब्रजवासियों पर, गोपों पर। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे कृष्ण नाथेभ्य, नाथ मतलब रक्षक। एक गोपों के रक्षक कौन है? कृष्ण। और नंदा दिव्य, और ये जो पूजा प्रतिहत हुआ था, इंद्र का पूजा रोका गया था, तो उसमें तो प्रधान नंद बाबा है, तो नंद बाबा पर वे क्रोधित हो रहे हैं। नंद बाबा पर तो थोड़ा सोचिए कि जिसके रक्षक कृष्ण है, जिसके रक्षक है कृष्ण है, और जिनसे भगवान का सीधा संबंध है, अपने पिता है, अब उन पर क्रोध कर रहे हैं। और इस क्रोध का कोई मतलब नहीं है, कुछ कर लेंगे क्रोध करके। जिसके रक्षक कृष्ण है उस पर कोई क्रोध करके क्या कर लेगा? और सुखदेव गोस्वामी पहले ही संकेत कर रहे हैं कि इंद्र का क्रोध करना बिल्कुल बेकार। वे भगवान ये तो क्षमता है, अरे कोई क्रोध करता है तो उसका अपकार करता है क्रोध में आकर, और अपकार में सबसे बड़ा अपकार लिया जाए तो मार देना है। मृत्यु सबसे बड़ा अपकार है, काम ही खत्म मार देने पर। लेकिन कोई किसी को मार भी दे, और भगवान को जिलाने में कोई मेहनत नहीं है, वे जिला देते हैं। एक बार की घटना हुई थी कि भगवान के सखा और बछड़े काली ह्रद के दूषित जल पी करके, और शेर ते व्यसन इतना प्रबल वो विष था कि दूर भी नहीं जा सके, एकदम तट पर ही व्यसव प्राणहीन होकर के गिर गए। अब भगवान ने उनकी स्थिति को देखे, स्वनाथ भगवान विचार करने लगे कि इनका रक्षक तो मैं ही हूं। तो उस स्थिति को देख करके इच्छयामृत वर्ष लिया,
इच्छया अमृत वर्षिण्या स्वनाथान समजीव। भगवान अपने दृष्टि से ही उनको जीवित कर दिए। अब दृष्टि से कैसे जीवित कर दिए, तो दृष्टि का विशेषण दे रहा है कि अमृत वर्षण, उसे अमृत की वर्षा होती है। तो भगवान की तो यह क्षमता है कि किसी तरह से रक्षा कर लेंगे। परीक्षित है कि रक्षा ब्रह्मास्त्र से कर लिए। ब्रह्मास्त्र तो अमोघ होता है और उसका कोई दूसरा प्रतिकार भी नहीं, लेकिन फिर भी भगवान रक्षा किए। ये तो अपने पिता है, अपने संबंधित है, तो इन पर इंद्र क्रोध करके क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंद्र अपने तरफ से कुछ छोड़े नहीं। गरम संवर्तकम नाम मेघानम चांत कार्यम इंद्र प्रचोदयत क्रुद्ध वाक्यम चाहे से मंजूत। अरे के वे तुरंत एक्शन में आ गए और प्रचोदयत उनको प्रेरित किए। किसको? मेघानम गणम अंतकारिणम, मेघानम गणम अंतकारिणम, जो अंत करने वाले, जिस मेघ का उपयोग प्रलय काल में किया जाता है, सामान्य स्थिति में उसका उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे कहिए कि सेना के टुकड़ी है, सेना का ग्रुप है, तो साल भर वेतन उठाते हैं और कहीं ना कहीं रहते हैं, लेकिन उनका उपयोग तो लड़ाई लगने पर किया जाएगा, ऐसे नहीं उपयोग करते। तो वैसे ही इंद्र के कंट्रोल में सब मेघ हैं, लेकिन कब किसका उपयोग है उसका समय निर्धारित है, आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। तो कह रहे कि अंतकारिणम मेघानाम संवर्तकम गणम, जो प्रलय कालीन मेघ है तो उनका नाम है संवर्तक। और एक दो को नहीं, अंतकारिणम मेघानाम गणम, वे झुंड के झुंड कई एक ग्रुप में वे बादल है, तो कई एक ग्रुप को, उसके ग्रुप को वे प्रेरित किए जाकर के ब्रज को नष्ट करो। और उनको तो प्रेरित किए ही वाक्यम चाहे सम्मानी न उतर, वे तो अपने को ईश्वर मानते थे, तो ब्रजवासियों के विरुद्ध बोलना भी प्रारंभ किए। क्रोध, ये क्रोध में बोल रहे हैं, इंद्र क्रोध में बोल रहे हैं, तो कई एक वाक्य ऐसे है कि वाक्य को पूरा भी नहीं किया, क्रोध के मारे अब वो आधा वाक्य पर ही रह गए हैं और बहुत क्रोध में बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि अहो श्रीमद महात्म्य गोपानाम काल नौकसा, ये सबसे पहले आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, ये कितना आश्चर्य है। अरे धन का अभिमान कितना बड़ा है, ये अभिमान हो ही जाता है। धन का अभिमान कैसा है कि ये गोपों में भी दिखाई दे रहा है। गोपा नाम कान नौकसा, ये कह करके कह रहे हैं कि गोप है, गोप का मतलब है कि बहुत दक्ष तो नहीं है, बहुत पढ़े लिखे नहीं है। और कान नौकसा, ये जंगल में रहने वाले, तो जंगल में रहने वाले, और इनका आशय है कि इनको बहुत धन भी नहीं है, लेकिन धन के गुमान का महिमा देखो कि थोड़ा सा धन हो जाने। अरे इनके धन पर विचार कीजिए, अब किसी अकाउंटेंट को लगाइए तो कितना इनका धन है, गाय है, पशु इनके पास है, और कुछ कुछ खनिज द्रव्य है, वन में रहते हैं, और कुछ खनिज पदार्थ इनके कब्जे में है, या कभी कभी किसी नदी के किनारे या कुछ थोड़ा सोना चांदी का टुकड़ा पा जाते, और उससे इतना इनको मिल गया, तो थोड़ा देखो कि धन का कितना भारी गुमान। कि पशु और खनिज पर कब्जा हो गया इनके अधिकार में,
तो किए क्या, कृष्ण मर्त्य मुपाश्रित्य ये चक्र देव हेलन। एक कृष्ण का आश्रय लेकर के, एक मनुष्य का आश्रय लेकर के और देवता का अवहेलना कर दे, देवता का अपमान कर दे, एक कितना भारी धन का गुमान। तो ये आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं धन के गुमान पर, धन के नशा पर, कि धन का नशा इतना है कि आदमी का आश्रय लेकर के और देवता का अवहेलना कर सी। वे देवता और आदमी बहुत अंतर है, कई एक दृष्टि से अंतर, रूप रंग के दृष्टि से भी, आयु के दृष्टि से, सुविधा के दृष्टि से बहुत अंतर है। मनुष्य को मर्त्य कहा जाता है और देवता अमर है, मतलब बहुत दिन जीते हैं। मनुष्य क्या ही बहुत कम है ना, और शक्ति भी बहुत कम है, और मनुष्य को कहीं जाना हो और कितना कितना साधन जुटाना पड़ता है, और पैदल कितने दिन से जाएगा। अब जल्दी जाना है तो अब बहुत प्रयास करके, बहुत सिस्टम लगा करके तब उड़ पाते हैं। देवता तो ऐसे ही चलते हैं, वे तो धरती पर उनका पैर भी नहीं पड़ता है, और उनका स्टैंडर्ड दूसरा है, स्वच्छ होते हैं, भोजन उनका दूसरा है, बहुत अंतर। देवता को टॉयलेट की आवश्यकता नहीं है, उनका ऐसा भोजन है कि टॉयलेट की जरूरत भी नहीं पड़ती, और पसीना इत्यादि नहीं होता, बहुत भारी अंतर है। लेकिन कह रहे हैं अरे कृष्ण मर्त्यम, एक मरने वाले के, एक साधारण मनुष्य का आश्रय लेकर के और देवता का अपमान कर दिया, ये कितना धन का गुमान होता है। और एक शब्द है ये ध्यान देने का, उपाश्रित्य, ये जो उप आश्रय है, उपाश्रय, ये उपाश्रय है कह करके, उप आश्रय कर कह करके इनका बहुत हे बुद्धि से देख रहे हैं इनको। देखिए उप का अर्थ कभी कभी बहुत हे अर्थ में किया जाता है, कई अर्थ में होता है, उसका उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे है, कोई स्त्री है और उसका पति अपने पति का आश्रय ली है, तो बहुत प्रतिष्ठित चीज है, लेकिन उप पति का आश्रय ली तो उसको कैसा माना जाएगा। कोई स्त्री उप पति, उप पति जैसे पति में उप शब्द जोड़ दिए तो बहुत घृणित हो जाता है ना, औपत्यम जुगुप्सित। भगवान भी बोले हैं कि उपपति तो बहुत जुगुप्सित है, तो जैसे उपपति कहने को हे से देखते हैं, वैसे हे बुद्धि से करे उपाश्रित्य। उपाश्रित्य कहने का अर्थ है कि जो कुल और धर्म, कुल परंपरा के अनुसार धर्म से युक्त आश्रय था, उसका त्याग कर दिया। और ततो विचित्य कृत्य, जैसे कोई स्त्री पति स्वीकार करके धर्म के अनुरूप है, कुल परंपरा के अनुरूप है, लेकिन उपपति धर्म का त्याग ही करती है ना, तो जैसे उपपति में उप शब्द का घृणा के अर्थ में प्रयोग करते हैं, तो उस अर्थ में इंद्र कर रहे हैं उपाश्रित्य, उप आश्रय लेकर के वो देवता का अवहेलना कर दी। और इंद्र बड़े क्रोध में, भगवान को मर्त्य कह रहे हैं, और भगवान के लिए इससे भारी अपमान का शब्द कुछ नहीं है। वैष्णव लोग मायावादियों से क्षुब्ध रहते हैं, उनके प्रति आदर बुद्धि नहीं है, अनादर बुद्धि,
उसका कारण है कि वे भगवान को प्राकृत मानते, भगवान के श्री विग्रह को प्राकृत मानते। तो यह बहुत भारी अपमान है भगवान का। और सीधे इंद्र कह रहे हैं कि मर क्यों, अरे वो आदमी का, मरने वाले का आश्रय लेकर के देवता का अपमान किया, बहुत घृणित बात है। और इंद्र तो अपने तरफ से भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, ब्रजवासियों पर कुपित हैं, लेकिन अब भगवान को भी गाली दे रहे हैं। लेकिन सरस्वती जी तो कभी भगवान को गाली नहीं दे सकती, वे तो नहीं गाली देंगी ना। ओ इंद्र अपने से तो गाली बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में सरस्वती जी क्या मैसेज दे रही है, क्या अर्थ दे रही है, यह विचारणीय है। ओ अब उस हिसाब से देखेंगे तो अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम काननों के साथ कह रहे हैं कि अरे गोपों के श्री मतलब भक्ति प्रेम, यह एक संपदा है ना। चैतन्य महाप्रभु अवतार ग्रहण किए तो किस लिए, स्वभक्ति श्रीय, अपने भक्ति रूप धन को देने के लिए। अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलम वेन समर्पित मुन्नत उज्ज्वल रता स्वभक्ति श्रीय, अपने भक्ति रूप संपत्ति को प्रदान करने। और भक्ति संपत्ति है। तो कह रहे हैं कि गोपाना, और जो गोप है उनके भक्ति, और जहां भक्ति है तो स्वाभाविक आनंद है, हर्ष है। और मद मतलब आनंद, हर्ष। और महात्म्य गोपों के भक्ति और आनंद और उनकी महिमा का क्या कहना, आश्चर्य। और कान नौ कसा, इंद्र तो अपने तरफ से कह रहे कि अरे जंगली है, जंगली कहने का अर्थ है ये उसको कोई कल्चर नहीं आता है, ये जंगल में रहते। लेकिन सरस्वती जी बनौकसा, इनका बन ही औकस है, निवास है। उसमें भागवतम में कहा गया है कि बनम तो सात्विकम वास, जो बन में रह रहा है तो बन को सात्विक कहा गया। कई एक चीज का वर्गीकरण किया गया है। अब जहां जुआ शराबियों का डेरा है उसके नजदीक रहना और उसको तामसी आवास कहा गया। तो सरस्वती जी एक तरह से कान लोगों के साथ कह रही है इनका आवास कितना अच्छा है, सात्विक के बन में रहते। और कृष्ण मर्त्य उपाश्रित, ये कृष्ण का आश्रय भी है। और कृष्ण का विशेषण क्या दे रहा है, मर्त्य। मर्त्य का अर्थ होता है मर्त्यभ्य हितम, जैसे आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं पसव्य माविषत, भगवान गोचारण के लिए जा रहे हैं वृंदावन पसव्यम आविषत, वन में जो पशुओं के लिए बड़ा हितकारी है। और जैसे वहां पसव्य का अर्थ है पशुओं के लिए हितकारी किया गया है, तो यहां अर्थ होगा जो मरने वाले हैं उनके लिए हितकारी, मनुष्यों के लिए हितकारी। तो मर्त्यम उपाश्रित, अब इंद्र के साइड से देखें तो उप तो घृणा के अर्थ में कह रहे हैं, लेकिन उप अधिकता के अर्थ में भी होता है, उप का प्रयोग अधिकता के लिए किया जाए। उपाश्रित्य ये बहुत अधिकता में, बहुत हाई लेवल से कृष्ण का आश्रय ग्रहण किया। और इनका इतना आश्रय उन्नत है
कि चक्रुर्देव है ननन, अब देवता को इनको कोई ख्याल ही नहीं, देवता को इग्नोर कर दिए। अब कृष्ण का आश्रय लिए, और साधारण आश्रय नहीं, उपाश्रय, बहुत अधिक आश्रय लिए, और उसका परिणाम है कि देवता का इग्नोर कर रहे। तो मर्त्यम उपाश्रय, ये जो भगवान का आश्रय है, कृष्ण का आश्रय है, तो मनुष्य के लिए बहुत हितकारी। इस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन थोड़ा इसके पहले अभी तो मर्त्यम कृष्ण का विशेषण दे रहे हैं, या उपाश्रित्य का क्रिया विशेषण बना सकते हैं, लेकिन इसको दूसरे जगह भी ले जा सकते हैं। कृष्णम उपाश्रित्य, कृष्ण का इतना अधिक आश्रय लिए कि चक्रु नहीं, मर्त्यम देव हेलनम चक्रु, देवता का अपमान मरने लायक कर दे। मर्त्यम मतलब मरने योग्य, जो मरने योग्य है उसको मर्त्य कहा जाता है। ओ, ये ब्रजवासियों के विषय में कह रहे हैं उपाश्रित्य, कृष्णम उपाश्रित्य, कृष्ण का ऐसा आश्रय ग्रहण की है कि मर्त्यम देव हेलनम चक्र, और देवता का उस लेवल पर अपमान किए या मरने का रिस्क था। वे इंद्र का अपमान करना और कितना भारी खतरा है, उनको किसी को मारने में दे रहा है। बोले इंद्र की यह क्षमता है, ये बादल उनके अधीन है कि पूरे सृष्टि का वे नाश कर सकते हैं। संवर्तक है, गण मेघों का उनके अधीन है, और इतना वर्षा करते हैं कि सब चीज भूल करके पानी में मिल जाता है। आप लोग प्रलय का क्रम पढ़ते हैं ना, सब भूल करके पानी में मिल जाए, ये क्षमता। तो यह तो मान लीजिए कि इनका ऑफिशियल पावर है, और उनका पर्सनल पावर भी बहुत है। वो वज्र रखते हैं, अपने साथ वज्र रखते हैं, और वज्र से पर्वत को धूल धूल कर देते, चूर्ण कर देते हैं। वो वज्र की क्षमता, और जो पर्वत को धूल कर रहा है वो किसी आदमी पर चला दिया जाए तो उसकी क्या गति होगी। वो जो क्रोध में उसको चलाते दे रहा है, वो जिसके पास है पिस्टल, तो क्रोध में आएगा तो छोड़ देता है ना, तो है खतरा ना। इंद्र का अपमान करने पर तो जान पर खतरा, लेकिन ये ब्रजवासी इतना कृष्ण पर आश्रित है कि वे अब भविष्य की चिंता नहीं कर रहे। यही भक्तों का लक्षण होता है। वे जो गोप हैं तो उनकी स्थिति तो बहुत उन्नत है। जो सामान्य भक्त होते हैं, अच्छे भक्त हैं, उन्नत भक्त हैं, तो वे भविष्य की चिंता नहीं करते। भविष्य में जिएंगे मरेंगे कैसे रहेंगे इसकी चिंता नहीं करते। आप लोग बलि महाराज के विषय में जानते हैं, जब बलि महाराज के यज्ञ में वामन देव गए तो वे तो 3 दिन भूमि मांग रहे थे, और वामन बलि महाराज तो उनको बहुत बहुत चीज देना चाहते थे, लेकिन वामन देव कहे कि ना हमको अधिक नहीं चाहिए। अरे संतोष की महिमा है, जो 3 दिन से नहीं संतुष्ट होगा तो 3 लोग से संतोष नहीं होगा, और बड़ी संतोष की महिमा बोलने लगी। जो कहने लगे कि असंतोषोयम संस्कृते हेतु, ये सब समस्या का जड़ असंतोष है, और यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो मुक्तिः स्मृतः,
और जो संसाधन सुलभ है उसी से कोई संतुष्ट रह रहा है तो मुक्ति को प्राप्त कर जाएगा। और खास करके ब्राह्मण के लिए तो संतोष की बड़ी महिमा है। असंतोष अर्थ कामय, अर्थ और काम में असंतोष यही संस्कृति का मूल है। और कहे कि ब्राह्मण है का तो तेज संतोष नहीं बढ़ता, यदि और संतोष आ गया ब्राह्मण में तो उसका तेज वैसे नष्ट हो जाता है जैसे प्रज्वलित अग्नि पर पानी डाल दिया। बलि महाराज को ये बामन देव का प्रवचन पसंद नहीं आ रहा कि बाली सुमती तेज तो बहुत है शरीर में लेकिन बुद्धि नहीं। हम लोकानाम एक राग जो तीनों लोकों का स्वामी है उसके यहाँ आकर के उसको संतुष्ट कर तीन दिन भूमि मांगना ये तो एकदम बेवकूफी है। ये तो वैसे है कि कोई चक्रवर्ती सम्राट के पास जा करके और दो चार किलो भूसी मांगे, चावल नहीं, चावल का जो छिलका होता है धान का, लेकिन अब हार भूल करके कहे कि तुम्हारी जो इच्छा है। तो ये नहीं बलि महाराज कहे कि तीन डेग ले लो, भगवान छाता प्रतिक्रिया जितनी तुम्हारी इच्छा हो लो, तब तीन डेग की चाहे तीन लो अधिक लो। और शुक्राचार्य जो बलि महाराज के गुरु हैं वे कह रहे थे अरे तुम भूल कर रहे हो, यह देवानाम कार्य साधक ये देवताओं का कार्य बनाने के लिए आया है और तुम्हारा सब कुछ ले लेगा। और कह रहे कि मूल सर्वस्वम विश्वे दत्वा कथम भक्ति से तुम कैसे अपना जीवन बिताओगे, परिवार का भरण पोषण कैसे करोगे। बलि महाराज कहे कि ना हमको उसकी चिंता नहीं। वे कहने लगे अरे जब यह भगवान है विष्णु है तब तो और देना चाहिए, आप लोग तो यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। अमनायक कोविद अपने गुरु जी से कह रहे हैं कि आप लोग तो वेद शास्त्र जानते हैं और यज्ञ का अनुष्ठान करके भगवान का आवाहन करके उनको बुला करके उनकी पूजा करते हैं और वो वही भगवान हमारे यज्ञशाला में अपने से आए हैं तो इनको तो मैं दूंगा ही, क्यों रुकूंगा। जिसको बुला करके आप लोग देते हैं वो अपने से आए तो मैं क्यों नहीं दूंगा। और यहां तक भविष्य की बात है तो हमें चिंता नहीं, चाहे नरक में जाना पड़े या दरिद्रता का दुख सहना पड़े इसकी चिंता नहीं, हम उनको संतुष्ट करेंगे। और भक्तों का यह लक्षण है कि भविष्य के विषय में बहुत चिंतित नहीं रहते। गीता में भगवान अभय अभय का उल्लेख किया, अभय का यही मतलब है कि चिंता न करना कि हमारा जीवन कैसे चलेगा। खास करके सन्यासी को अभय गुण जरूर धारण करना चाहिए, हम अकेले कैसे रहेंगे, कैसे भरण पोषण होगा, ये सब कभी चिंता नहीं आनी चाहिए। साधारण है भक्तों में भी देखा जाता है। और गोप तो कृष्ण के इतने आश्रित हैं कि जान पर संकट लेकर के, जान पर रिस्क लेकर के भी देवताओं का इंद्र का अवहेलना करने में उनको संकोच नहीं आए। तो मध्यम देव हेलन एकदम मरने लायक देवता का अवहेलना कर जान पर संकट देख रहे हैं ना। मर्त्यम का देवहेलनम के साथ भी प्रयोग किया जा सकता कृष्णम के साथ, और कृष्णम में भी दो अर्थ, एक इंद्र का अर्थ मतलब मरने वाला और एक सरस्वती जी का अर्थ
जो मनुष्य के लिए बड़ा हितकारी। और सरस्वती जी कह रहे हैं कि कृष्ण मर्त्य उपाश्रित, कृष्ण जो बड़े हितकारी है मनुष्यों के लिए, और उनका ये आश्रय लेकर के इंद्र का अवहेलना कर दी। ये बहुत विचारणीय चीज है कि कृष्ण मनुष्य के लिए बहुत हितकारी, उनका आश्रय मनुष्य के लिए बहुत हितकारी। श्रीमद् भागवतम में बहुत जगह इस पर चर्चा है, लेकिन अभी अभी हम वृंदावन सेमिनार किए थे और उसमें द्वारका वासियों का एक उक्ति है, तो वह बहुत प्रासंगिक है और उसी को हम लोग थोड़ा विचार करेंगे। ये श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय का 6 नंबर का श्लोक है, इसको बोलिए एक बार आप लोग पीछे से। नतास्मते नाथ सदा नृपंकजम्, नतास्मते नाथ सदा नृपंकजम्, वीरं च वैरिं च सुरेन्द्र वन्दितम्, वीरं च वैरिं च सुरेन्द्र वन्दितम्, परायणं क्षेममिहे चतां परम्, न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभु, साथ में बोलिए गा करके बोलिए। नतास्मते नाथ सदा नृपंकजम्, वीरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्र वन्दितम्, भगवान जब हस्तिनापुर से द्वारका के लिए जा रहे थे, द्वारका के नजदीक पहुंचे तो शंख बजाए, समयन निवास। अब शंख क्यों बजा रहे हैं, तो उसमें एक कारण है कि द्वारका वासियों के सुख को दुख को उपशमित करते हुए से, उपशमित करके नहीं, क्योंकि केवल शंख वादन से उनका शोक दूर होने वाला नहीं, उनका विषाद दूर होने वाला नहीं, लेकिन कुछ सांत्वना मिले कि कृष्ण नजदीक आ गए, तो समय अन्य वो दूर करते हुए जैसा। और ज्यों ही द्वारका वासी भगवान के शंख की ध्वनि सुने, तो बड़े ही तेजी से भगवान के अगवानी के विवेचन में, और जो भी द्वारका वासी आ रहे हैं तो अपने साथ कृष्ण के लिए गिफ्ट ले रहे हैं, कुछ उपाय लेकर के आ रहे हैं। शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं कि सूर्य दीप इवा द्युत, अब भगवान को कुछ भेंट करना तो वैसा ही था जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। ये भगवान तो आत्मा राम नीला वेणुपूर्ण, उनको किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अब कोई प्रेम से उनको कुछ देता है तो उसको स्वीकार करते हैं। जैसे सूर्य की पूजा करते हैं तो सूर्य को जरूरत नहीं है ना कि थोड़ा दीपक रहेगा हमें प्रकाश मिल जाएगा, उनको जरूरत नहीं, उनमें तो करोड़ों दीपक का प्रकाश पहले से है, लेकिन फिर भी कोई देता है तो उसको स्वीकार करते हैं, दीपक दिखाता है उसको स्वीकार करते हैं। गंगा जी के पास पानी है लेकिन उसी गंगा जी को उसी जल को अर्पित करते हैं, वो भी स्वीकार करती है। और उपाय लेकर के भेंट लेकर के आए और भगवान की स्तुति करने लगे, उनसे कहने लगे, जो कह रहे हैं कि नतास्म तेनाथ सदा नृपंकजम्, वीरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्र वन्दितम्, परायणं क्षेममिहेच्छतां परम्, न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभु। कह रहे हैं कि हम लोग आपके चरण पंकज में सदा नत,
ते हे नाथ ते सदा निपंकजम वयम नतास्म। हम लोग आपके चरण कमल में झुक रहे हैं, हम उसकी शरण ग्रहण कर रहे हैं, हम उसके प्रणत हैं। भगवान पूछ सकते हैं कि क्यों हमारे शरण का ग्रहण कर रहे हो, हमारे चरण का ग्रहण, क्योंकि परम सबसे ऊंचा स्थान इसी का है, परम मतलब सर्वोच्च स्थान इसका, इसलिए हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। अरे कैसे पता चल गया कि यही सर्वोच्च है? अरे कि बिरिंच बैरिंच सुरेंद्र मंदिर का, और जो सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्मा जी, तो वे भी वंदना करते, उनके पुत्र भी वंदना करते, और वही नहीं और भी जितने भी देवता है या देवताओं के लीडर हैं सब वंदना करते, क्योंकि वही परम सर्वोच्च स्थान उसी का, सबसे ऊपर वह है। और कह रहे हैं कि क्षेम मिहेच्छता परायण, जो लोग अपना क्षेम चाहते, क्षेम यह इच्छता, इस संसार में जो व्यक्ति अपना क्षेम चाहता है उसके लिए परायण वो सर्वोच्च आश्रय है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपना क्षेम चाह रहा है और उसका सबसे बड़ा आश्रय आपके चरण कमल। क्षेम का क्या अर्थ होता है? अगर क्षेम को व्यापक रूप से परिभाषित करें तो दुख कहानी सुखावती, दुख समाप्त हो जाए सुख की प्राप्ति हो, इसको क्षेम कहेंगे। ये मंगल है, ये श्रेय है। और कह रहे हैं कि जो अपने दुख दूर करना चाहते हैं और सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा आश्रय आपके चरण। कभी कभी परम्परायणम ऐसे भी अर्थ करते हैं, लेकिन परायणम में अयम मतलब आश्रय और पर मतलब सबसे श्रेष्ठ। और जो अपना कल्याण चाहते हैं, किसी प्रकार का कल्याण, और उसका सबसे बड़ा साधन आश्रय भगवान का चरण कमल। किसी प्रकार का अपना कल्याण चाह रहे हैं। सामान्य रूप से अब मनुष्य के कल्याण को विभाजित किया गया चार भाग में, अर्थ धर्म का मोक्ष, इसी को पुरुषार्थ माना जाता है। और इसको प्राप्त करने का सबसे सही जगह है भगवान से चरण कमल, वहां बिल्कुल आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आप कथा जानते हैं, जब ध्रुव महाराज घर से निकले और घर से निकल गए तो नारद जी वहां आए और उनको समझाने लगे, अभी कहां जा रहे हो, समय आने पर भगवान के भक्ति करना मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तो बच्चे हो ना, और तुम अपमान से व्यतीत होकर के घर का त्याग कर रहे हो, और देखो बच्चों का अपमान सम्मान नहीं माना जाता। अच्छा मान लो कि अपमान सम्मान को तथ्य भी मान लो तो ये अज्ञान के चलते होता है, ये अज्ञान के चलते, देहाभिमान के चलते होता है, और इसलिए तुम घर लौट जाओ। और ये सिद्धांत दिए यद जस्य दैव वीतं सत्य नस दुख हो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृच्छति। दैव के विधान से जिसको जो प्राप्त हो गया और उसी से संतुष्ट रहता है तो माया को पार कर जाता है और तुम्हें असंतोष की जरूरत नहीं। जब ऐसे नारद जी उपदेश दिए और ध्रुव जी कहे कि गुरु जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, हम आपके उपदेश में कोई दोष नहीं निकाल रहे, लेकिन किसी ब्राह्मण उपदेश
हम क्षत्रिय हैं और हमारा हृदय बिंध चुका है, यह आपका उद्देश्य उपदेश है, हमारे हृदय में नहीं टिक रहा है, हमको तो राज्य की अभिलाषा है, वो हमको कुछ वैसा उपदेश दीजिए। नारद जी कहे को उसके लिए कोई अलग उपदेश नहीं है, उसके लिए भी यही उपदेश है। जनन्या भीता पंथा, जो तुम्हारी माँ ने कही है, जो बात सुन करके तुम निकले तो वही है। अब तो समय नहीं है, कई एक श्लोक को बोल रहे हैं, सारांश दे रहे हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षार्थम यह इच्छा श्रेय आत्मन। जो अपना श्रेय चाहता है, चाहे वो धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई भी श्रेय हो, एक में वह हरिस्तत्र कारणम पाद सेवन, उसका साधन उसका कारण एक है, भगवान का चरण का सेवन करना। तो ये लोग कह रहे हैं द्वारका के निवासी कि यह क्षेम इच्छता परायण, जो अपना क्षेम चाह कल्याण चाह रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा साधन यही। एक प्रश्न होगा कि कैसे भगवान का आश्रय से, भगवान के चरण से हमारा श्रेय संपादित हो जाता है। देखिए, कोई चीज प्राप्त करने के लिए उसका कुछ साधन होता है। मान लीजिए कि हमको कोई सामान प्राप्त करना है तो उसके लिए पैसा देना होता है ना, हमारे पास कुछ संपत्ति है तो सुविधा दे देते, साबुन की जरूरत है तो पैसा देंगे साबुन मिलेगा। यानी महाभारत में कहा गया है कि यावय साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्ट है, चार पुरुषार्थ है तो उसको प्राप्त करने के लिए साधन निर्धारित किया गया है, लेकिन तया बिना तदवाप्नोति नरो नारायण आश्रय। इनको साधन जरूर निर्धारित है भाई, ज्ञान से मुक्ति मिलता है और भुक्ति यज्ञादि पुण्यतः यज्ञ इत्यादि करेंगे तो उसे भोग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, साधन हुआ ना। लेकिन कह रहे हैं कि यह वही साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्ट है, चारों पुरुषार्थ के लिए साधन रूप संपत्ति का निर्धारण किया गया, लेकिन तया बिना तद्वाप्नोति नरो नारायण आश्रय। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के चरण का आश्रय लेता है वह तो उस साधन के बिना भी अपने पुरुषार्थ को प्राप्त कर जाता है, ये भगवान के चरण की विशेषता है। तो एक बात और कह रहे हैं कि न यत्र काल प्रभवित पर प्रभु, भगवान के आश्रय लेने से जो सबका कंट्रोलर सबका प्रभु है और उसे काल का भी प्रभाव नहीं होता। अब तो समय पूरा हो गया, लेकिन आप थोड़े में समझिए कि इंद्र जो बोल रहे हैं और उसे सरस्वती जी मैसेज दे रही है कि कृष्ण मनुष्यों के लिए सबसे बड़े हितकारी, उनके आश्रय से बहुत भारी लाभ है। और इस विषय को हम लोग थोड़ा कल भी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।